देखिए, ये जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लॉकडाउन को एनफोर्समेंट करा रही है पुलिस। तो उसमें ही हमारे मोरना ज्योति थाना भोपा में आता है, मोरना चौकी इंचार्ज और उनके साथ दो कांस्टेबल्स थे। मोरना गांव में पूर्व प्रधान है नाहर सिंह, उसके घर पे काफ़ी भीड़ थी। तो उनको समझाया जा रहा था कि भाई लॉकडाउन है, आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, दूरियाँ बना के रखें। उसी बीच में इन लोगों के द्वारा पुलिस पर हमला किया गया। हमले के दौरान हमारे सब इंस्पेक्टर और दो कांस्टेबल्स घायल हुए हैं, और उसमें क्या कहते हैं 10-15 लोग थे, और उसके अलावा भी अन्य लोग थे इसमें। तो उसमें से नाहर सिंह और जो उसके लड़के हैं, उनकी दो पत्नियां थी, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, सब लोग हमले में शामिल थे। तीन लोगों को अरेस्ट किया गया है, बाकी लोगों के लिए भी हमारी टीम्स लगी हुई हैं। बहुत जल्दी बाकी लोगों को भी अरेस्ट किया जाएगा। सब इंस्पेक्टर हैं हमारे, वो क्रिटिकल हैं। उसके अलावा दो कांस्टेबल्स हैं, उनको भी चोटें आई हैं, बट वो ठीक हैं। सब इंस्पेक्टर को मेरठ रेफर किया गया है। इसमें अभी तक तीन गिरफ्तारी हुई है। जो पूर्व प्रधान, जिसका वो घर था, वो गिरफ्तार हुआ है। उसके लड़कों की जो पत्नियां थी, जो महिलाएं इसमें शामिल थी, दो महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं। टोटल तीन गिरफ्तारी हुई हैं, बाकी हमारी टीम अभी लगी हुई है गिरफ्तारियां करने में। देखिए, वो सारी चीज़ें अभी चेक की जा रही है, चेक करके आपको बताएंगे।